भोजपुरी सिनेमा के नए कलाकार प्रमोद प्रेमी वैसे तो सोशल मीडिया पर अपने नए गानों के कारण चर्चाओं में बने ही रहते हैं, लेकिन गानों से मिलने वाले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद उन्हें फिल्में भी हमेशा मिलती रही हैं। जी हां, दरअसल प्रमोद प्रेमी ने हाल ही में एक नई फिल्म साइन की है जिसका नाम है भैया जी प्रणाम। इनकी पहली फिल्म की शुरुआत गदर 2 से सपोर्टिंग रोल के तौर पर हुई थी, जिसके बाद चना जोर गरम और लाइन बारी से इनकी ना जाने कितनी फिल्में रिलीज हुई। हर फिल्मों से इन्होंने अलग छवि बनाई और दर्शकों का फिल्म मेकर्स का दिल जीता। फिलहाल अगर हम बात करें भैया जी प्रणाम फिल्म की, तो पहली बार में ही फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म के लिए प्रमोद को इसलिए सुना क्योंकि इस फिल्म का किरदार रियल लाइफ में भी प्रमोद प्रेमी से मिलता है। जी हाँ, प्रमोद प्रेमी जब भी अपनी गाड़ी से अपने देसी ठाट बाट में पान चबा कर निकलते हैं जिस रास्ते से, वहाँ प्रमोद को मिलने वाले जान पहचान के राहगीर प्रमोद को भैया जी प्रणाम कहकर ही बुलाते हैं। प्रमोद के ना जाने कितने सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें प्रमोद बड़े ही नर्म स्वभाव में और ज़मीनी हकीकत से जुड़े नज़र आते हैं, वहीं उनके रियल लाइफ में जीने के और उनके लाइफस्टाइल के तरीके भी बिल्कुल देसी हैं। इंडस्ट्री में काम करते हुए प्रमोद को समय बीत चुका है, उसके बावजूद प्रमोद ने अभी तक कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी। वो हमेशा अपनी रॉयल इनफील्ड के साथ ही देखे जाते हैं। जाते जाते बता दें कि प्रमोद प्रेमी को इस फिल्म के मिलने से प्रियंका पंडित खासा खुश दिखाई दी क्योंकि प्रमोद प्रेमी के साथ काम करने के लिए प्रियंका काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।